मध्य प्रदेश की पन्ना हीरा खदान ने एक बार फिर मध्यवर्गीय परिवार की किस्मत बदल दी है और 20 साल से हीरा खदान में खनन कर रहे सुशील शुक्ला नाम के व्यक्ति की मेहनत रंग लाई है। 5 दिन पहले जिस 26.11 कैरेट हीरे को खुदाई में निकाला था, वे नीलामी में 1,62,00,000 रुपए में बिका है। शुक्ला के हीरे के अलावा 52 अन्य हीरे भी नीलामी में नीलाम हुए हैं। इस नायाब हीरे को पन्ना के हीरा व्यवसायी ब्रिजेश जड़िया ने सबसे अधिक बोली लगाकर खरीदा है। ब्रिजेश की मुंबई में मदर जेम्स एंड कंपनी है जो हीरे का कारोबार करती है। 2 दिन की जो नीलामी थी और कोरोना के तीसरी वेव के खत्म होने के बाद ये नीलामी का दौर था। लोगों ने, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल हमारा करीब 36 नग हीरे नीलामी में थे, जो 101.65 करोड़ की नीलामी कल हुई है। 82.4 कैरेट के हीरे थे। आज जो हीरों की नीलामी हुई है उसमें 52 नग हीरे थे और 78.35 कैरेट की हीरे बिके हैं और कुल मूल्य है आज जो बिक्री हुई 1.86 करोड़। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ 26.11 कैरेट का जो हीरा था, निश्चित ही बहुत बड़ा हीरा था। पन्ना के आप इधर काफ़ी दिनों में इतना बड़ा हीरा कभी मिला नहीं था और इस हीरे को बहुत अच्छा प्राइस भी मिला है। 1.62 करोड़ में ये हीरा बिका है। हीरा खदानों से प्राप्त होने वाली हीरों की खुली नीलामी में हीरा कार्यालय पन्ना ने 24 फरवरी से आयोजित की गई है। इस नीलामी में 225.72 कैरेट वजन के 154 नग हीरे बिक्री के लिए रखे गए थे, जिसमें 26.11 कैरेट वजन का चौथा सबसे बड़ा नायाब हीरा भी शामिल था। आपको बता दें कि हीरा नीलामी के बाद 12% रॉयल्टी और 1% DS काट कर बाकी रकम सुशील शुक्ला के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। समाचार प्लस के लिए पन्ना से अमित सिंह राठौर की रिपोर्ट।